मुझे सामने जो दिख रहा है में एक सॉकेट भी दिया गया है जिसमें अगर आप लगेज बांधना चाहो। एक और चीज प्यारी सी दी गई है, क्रूज कंट्रोल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। तो आई होप सभी लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। तो आज एक प्यारी सी मशीन है अपने पास, देख सकते हो, ये रही। सो द ब्यूटीफुल मशीन फ्रॉम द टीवीएस मोटरसाइकिल्स, द अपाची RTR 310। सो भाई क्या ही मशीन है। पहले एक बार इसके सिनेमैट्स इन्जॉय कर लो, फिर बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और क्या ही कुछ गाड़ी में दे रखा है, क्योंकि काफ़ी लोड करी गई है गाड़ी TVS द्वारा। आफ्टर मार्केट ज़्यादा कुछ कराना नहीं पड़ेगा, तो बात करते हैं उसके बाद। पहले सिनेमैट्स देखो गाड़ी के। अगर बात की जाए इसके बेसिक स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इट्स द सेम इंजन फ्रॉम द TVS RR 310। पावर फिगर से अगर बात करें तो 313 cc का इंजन मिलेगा, अराउंड विद 35 bhp ऑफ पावर एंड अराउंड 28 Nm ऑफ टॉर्क। द सेम रिवर्स इंक्लाइंड इंजन देख सकते हो, DOHC रिवर्स इंक्लाइंड इंजन, ये बेंड पाइप आ रही है। और अरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा TVS ने नाराज़ किया। इतनी प्यारी सी गाड़ी बनाई, बेहतरीन एकदम, और एग्जॉस्ट वही दे दिया भद्दा सा। खैर कोई बात नहीं, चलो आगे बात करते हैं गाड़ी में और जानते हैं। सामने देख सकते हो USD फोक्स मिल जाएंगे। वहीं अगर पीछे सस्पेंशन की बात करूं तो मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलेगा। अगर ब्रेकिंग एबिलिटी की बात की जाए बाइक की, तो बाइब्रेक की फुल सिस्टम ब्रेकिंग मिलेगी विद डुअल चैनल ABS। और अगर फ्रंट की तरफ आएँ तो देख सकते हो एक कम्प्लीट LED सेटअप मिलेगा गाड़ी में, कहीं भी हैलोजन देखने को नहीं मिलेगा, विद DRLs एंड LED इंडिकेटर्स। काफ़ी कैची से इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर पीछे की तरफ मैं चलूँ और बात करूँ बैक लाइट की, तो पीछे भी एक कम्प्लीट LED सेटअप मिलेगा। और कंपनी ने यहाँ से नंबर प्लेट हटा दिए और यहाँ पे दे दिए नीचे की तरफ। तो खैर ये कंपनी की अपनी चॉइस है, क्योंकि लोग मोस्टली क्या करते थे, हगर निकाल देते थे। तो अगर इसमें आपको हगर हटाना है यहाँ से और तो नंबर प्लेट भेटेगी, तो यहाँ पे टेल टाइडी लगवानी पड़ेगी, इंडिकेटर्स भी लगवाने पड़ेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टायर्स के बारे में। तो स्टॉक टायर्स मिशलिन के रोड 5 टायर्स मिलेंगे। साइजिंग की अगर बात की जाए तो आगे 110/70/17 सेक्शन का टायर मिलेगा। पीछे अगर बात करें तो पीछे भी मिशलिन रोड 5 टायर मिलेगा। साइजिंग की मैं बात करूँ तो 150/60/17 सेक्शन का टायर मिलेगा। तो भाई ये तो कुछ हुई गाड़ी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और पावर फिगर्स। अब देखते हैं आगे और क्या ही कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे सामने जो दिख रहा है बैठने से पहले, भाई साहब क्लाइमेट कंट्रोल्ड सीट मिल रही है, राइडर के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया, और काफ़ी कंफर्टेबल कुशनड सीट्स मिल रही हैं। आई गेस ये सिस्टम दिया हुआ है, जो हल्की सी एक डिज़ाइन दिख रही है देखने को। वहीं अगर पिलियन की बात करें तो पिलियन का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया, काफ़ी कुशनड सीट्स दी गई है, लेकिन ये वाला सिस्टम इस सीट में नहीं दिया गया है। अगर ग्रैब हैंडल्स की बात करें तो अपाची में एक साइड तो कंपनी ने दिया, एक साइड तो देना ही भूल गए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कंपनी ने दोनों साइड दिया। हालांकि सिर्फ ग्रैब हैंडल ही नहीं, इसमें एक सॉकेट भी दिया गया है जिसमें अगर आप लगेज बांधना चाहो तो लगेज बांध सकते हो ईजिली। चलते हैं बैठ के देखते हैं गाड़ी पे। आ हा हा हा, तो भाई अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सीट हाइट नहीं है बाइक की, काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि मेरे पूरे पैर नीचे को पहुंच रहे हैं, मेरी हाइट वही करीब 5'6" 5'7" के आसपास है और पूरे पैर पहुंच रहे हैं। अगर कॉकपिट व्यू की बात की जाए, कुछ ऐसा सा कॉकपिट व्यू सामने देखने को मिलेगा, अच्छा खासा कॉकपिट व्यू मिलेगा। चलिए बूट करते हैं गाड़ी को और देखते हैं, चाबी देखें तो भैया सेम अपाची वाली चाबी है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, सेम वही चाबी दे दी है। आहा, तो मीटर बूट करते ही कुछ सामने देखने को मिला, एक सेकंड कुछ लिख के आया, मैं देख नहीं पाया। तो ये मीटर बूट हुआ, TVS रेसिंग ब्रांडिंग अपनी दी, बिल्ट टू ऑर्डर, RTDSC, ओके। तो कुछ ऐसा सा मीटर सामने देखने को मिलेगा, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, मैं दिखाता हूँ आगे। अगर सेट मेन्यू में जाएंगे सबसे पहले मिलेगा राइड मोड, तो यहाँ पर मिल रहा है अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक। ख़त्म नहीं, यहीं पर बात ख़त्म नहीं होती है, बात अगर आगे चलें तो एक और मोड मिलेगा, सुपर मोड। हो
अगर सुपर मोटो की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा आपको इसमें पावर मिलेगी, द मैक्सिमम BHP बाइक कैन प्रोड्यूस, द मैक्सिमम टॉर्क बाइक कैन प्रोड्यूस, और अच्छी खासी हैंडलिंग विद ब्रेकिंग एबिलिटी एट द बाइक्स बेस्ट। बैक आते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। ट्रिप डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी, अपनी ट्रिप्स इसमें देख सकते हो। वहीं अगर माई व्हीकल में जाओगे तो सर्विस कब कब आपने सर्विस कराई है या फिर नेक्स्ट सर्विस ड्यू डेट जो भी कुछ होगी वो पता चल जाएगा, और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड भी गाड़ी का देखने को मिल जाएगा, लाइक माइलेज, स्पीड कब कब क्या रही, लैप्स, अगर लैप्स आप रिकॉर्ड करेंगे तो लैप्स यहाँ पे काउंटेड हो जाएंगे। अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव कर सकते हो, लाइक RC, इंश्योरेंस एंड ड्राइविंग लाइसेंस। बैक आते हैं, प्रेफरेंसेस पे अगर देखा जाए तो डायनामिक हेडलैम्प, इसके बारे में अगर बात करें काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है। जैसे जो डायनामिक हेडलैम्प दिया है गाड़ी में तो वो ये है कि जैसे जैसे बाइक आप रेव खींचेंगे, एक्सेलरेशन जैसे गाड़ी का बढ़ेगा, तो वैसे वैसे इनकी जो ल्यूमिनेंस होगी वो और डार्क होती जाएगी। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी हेडलैम्प्स और लाइट ज़्यादा थ्रो करेंगे, और जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे लाइटिंग भी हेडलैम्प से कम हो जाएगी। तो इसकी सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो, चाहो तो आप इसको रखो, चाहो तो मैनुअल पे कर दो कि एक ही कंटिन्यूस सेटअप पे वो रहेगा। पीछे अगर आ जाए तो DRL, ओ माई गॉड, DRL भी अब आप ऑन ऑफ कर सकते हैं चाहे तो। ये एक चीज़ बहुत प्यारी सी दे रखी है, ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो, क्विक शिफ्टर भी आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। हालांकि अभी तक अपाची RR में ये दोनों ही चीज़ें नहीं दी गई हैं, इसमें दे दी हैं TVS ने थोड़ा सा कुछ, ABS कंट्रोल और लॉन्च कंट्रोल भी मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता, साथ ही में कॉर्नरिंग कंट्रोल भी थोड़ा सा दे देते तो। खैर कोई बात नहीं, तो लालच वाली बात हो गई। कनेक्टिविटी यहाँ मिल जाएगी अलॉन्ग विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाइक में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट एक्स कनेक्ट, तो आपका फ़ोन इसी से कनेक्ट हो जाएगा। आप अगर ब्लूटूथ वगैरह लगा रखे हो हेलमेट के अंदर तो डायरेक्ट यहीं से कॉल्स उठा सकते हो, कट कर सकते हो, और डिस्प्ले सेटअप आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ब्राइटनेस, क्लॉक, डेट, डे एंड नाइट मोड में रखना चाहो वैसे रख सकते हो। कस्टम विजेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो जो चीज़ें आप देखना चाहो बस आप वहीं पे देखोगे। और स्पीड अलर्ट जैसे इसमें 100 पे सेट है, मैंने अपने में पता नहीं शायद कितने पे, 130-140 पे कर रखी है। ओ माई गॉड, क्लाइमेट कंट्रोल सीट, हाँ यही मैं कह रहा था, जो सीट का कंट्रोल दे रखा है, तो अगर इसको नीचे करेंगे तो भाई सीट बढ़िया ठंडी ठंडी होने लगेगी गर्मी के मौसम में, जैसा अभी हो ही रहा है। और ओ फील भी हुआ थोड़ा सा मुझे जैसे नीचे गया, और अगर इसको ऊपर कर दोगे तो नहीं, ये तो ठंडी का सिस्टम है भैया, ये गर्मी में इसका कोई काम ही नहीं है। तो खैर अब बैक आते हैं, और इतनी ही चीज़ें दे रखी हैं। हालांकि एक और चीज़ प्यारी सी दी गई है, क्रूज़ कंट्रोल। भाई क्रूज़ कंट्रोल भी दे दिया, क्या नहीं दिया है TVS ने मुझे ये बताओ, इसमें मुझे ये जानना है। भाई क्रूज़ कंट्रोल भी दे रखा है 300 cc क्लास की गाड़ी में, हज़ार्ड भी दे रखा है। खैर वो तो अब जनरली आने ही लगा है नॉर्मल एक गाड़ी में। तो ये मैं बात कर रहा था, ये रहा क्विक शिफ्टर। अभी तक अपाची में TVS ने क्विक शिफ्टर नहीं दिया है, हालांकि अब RTR में लगा के दे दिया है। तो एक कंप्लीट पावर पैक्ड बाइक बनाई है जिसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ऐसे अगर यहाँ भी देखो तो एडजस्टेबल लीवर्स मिल जाएंगे, हालांकि क्लच लीवर ही नहीं, ब्रेक लीवर भी एडजस्टेबल ही मिलेगा, अपने हिसाब से चाहो तो एडजस्ट कर लो, जैसा चाहो वैसा कर लो। तो गाइस ये था एक डिटेल रिव्यू अपाची RTR 310 के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, किसी को सजेस्ट करना चाहो तो शेयर कर देना, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या किसी और का रिव्यू या कंपैरिजन देखना हो तो बता सकते हो। टिल देन जल्दी मिलते हैं एक और बाइक के साथ एक और वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू सून।